लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का 89 साल की उम्र में आज सुबह यानी सोमवार को देहांत हो गया। उनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और वह करीब 4 दशक तक सांसद रहे। आज उनके जाने को देश और नेता बड़ी क्षति के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर लिखा, सोमनाथ चटर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। देश और बंगाल के लिए एक बड़ी हानि है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, पूर्व सांसद और अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति का एक स्तंभ थे। उन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया। वह कमजोर लोगों के कल्याण के लिए एक मजबूत आवाज थे। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं और उनके परिवार व समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर सोमनाथ के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वह एक संस्थान थे और पार्टी लाइन से हटकर सभी सांसदों के मन में उनके लिए अपार सम्मान था। इस दुख के समय में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।